हमारे सुमित बग्यासरा जी ने जो सोशल मीडिया के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक अपनी वर्किंग कमेटी जो स्टेट की थी और जिला अध्यक्ष थे उनको बुलाया था। सुप्रिया जी हमारे बीच में आई, वो नेशनल हेड हैं, और हमारे दोनों सह प्रभारी जो AICC सेक्रेटरी हैं पूनम जी और ऋत्विक मकवाना जी, वो आए। हमने इनका स्वागत भी किया और कार्यक्रम किया, और यहाँ से एक मिशन चलाया है। हमने एक संकल्प लिया आज के इस कार्यक्रम से कि 7 उपचुनाव हैं, कितने भी लेट भारत सरकार चुनाव आयोग से लेट करवा दे घोषित, लेकिन जब कराएंगे उसके बाद में चुनाव होंगे, चुनाव लड़ेंगे, और 7 की 7 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी सुनने पे सिमटेगी, क्योंकि 10 महीने के अंदर इन्होंने एक काम नहीं किया, केवल आपस में लड़ाई झगड़ा, ब्यूरोक्रेसी हावी, न MLA की चल रही है, न MP की चल रही है, न मुख्यमंत्री की चल रही है। मैं तो समझता हूँ शायद मुख्यमंत्री जी के ऊपर कोई काला जादू कर दिया, काला जादू समझते हो ना, काला जादू कर दिया इन ब्यूरोक्रेसी ने कि भाई वो तो घूमते रहे, उनका तो भ्रमण भाषण और भ्रमित का कार्यक्रम चलता रहे और साथ साथ में देवदर्शन भी चलता रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन इस राजस्थान के लोगों ने आपको मुख्यमंत्री बनाया है, चाहे पर्ची से ही बने, लेकिन हम सबके मुख्यमंत्री हैं आप, आपको काम करना पड़ेगा। किसान परेशान है, दलित परेशान है, नौजवान परेशान है, छात्र परेशान है, और आप रोजाना की रोजाना ऐसी ऐसी बातें करते हो जिससे नौजवान का भला होने वाला है क्या? आप सारी की सारी जो संस्थाएं हैं उनका जो क्रेडिबिलिटी है उसको बिल्कुल क्रेश करने पे तुले हुए हैं। आपको जो कुछ करना है आप करिए, लेकिन नौजवानों को नौकरी दीजिए, अगर कोई अपराधी है तो उसको जेल में डालिए। ये आज तक होता है, कोई आज नया नहीं हो रहा है, अच्छी बात है। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो हम आपको धन्यवाद देंगे, लेकिन आप नौजवान नौकरी के लिए तड़प रहा है, उसकी नौकरियों की विज्ञप्ति कब जारी करोगे? किसान परेशान है, उसको मुआवजा कब मिलेगा, बिजली कब मिलेगी, पानी कब मिलेगा, सड़कें कब ठीक होंगी, ये चीजें भी तो आपको करनी पड़ेंगी ना। आज लोग परेशान है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है, नाबालिग बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं, उनका जवाब कौन देगा? आप गृह मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री जी को मैं कहना चाहता हूं, शायद वो भूल गए होंगे कि वो मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। तो गृह मंत्री को ये चाहिए कि तत्काल DGP को और तमाम अधिकारियों को बैठक बुला करके और ये कहे कि कानून व्यवस्था आप कायम कीजिए। एक सरकार का इकबाल होता है, आज इकबाल खत्म हो गया, कोई अधिकारी कुछ भी कर रहा है, कोई मंत्री कुछ भी कर रहा है, कोई MLA कुछ भी कह रहा है। आप ऐसी क्या नौबत आ गई आपके कि आप किरोड़ी जी को 3 महीने बाद में भी न तो इस्तीफा दे दिलवा स्वीकार करा पाए और न आप उनको वापस मंत्री बना पाए? मेरे समझ में नहीं आ रहा कि ये करेगा कौन भाई। आप तो वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को कहती थी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे अनुशासित पार्टी, और मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, तो हरियाणा में कर लेना ना, मोदी है था, कहाँ चला गया? मोदी की फोटो गायब है वहां, अमित शाह की फोटो गायब है, खट्टर का भाषण गायब है, है कुछ भी नहीं है वहां, सुपड़ा साहब हो गया भाई साहब, देखना आप जम्मू में हरियाणा में। और मैं आज फिर कह रहा हूं मीडिया के सामने, प्रदेश में अगर यही हाल रहे तो 7-0 तो है ही है उपचुनाव में, पंचायत राज और नगर निकाय में भी इनका सुपड़ा साफ होगा, और फिर कहेंगे कि डोटाजरा ने हल्ला कर करके हमारी पर्चियां बदलवा दी। पहले ही समझ जाओ भाई, हमें तो 5 साल भोगना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भोगना है। हम तो कहते नहीं, हाँ दिल्ली की गिर सकती है पहले, लेकिन राजस्थान की चलेगी। अब कोई करामात BJP में से कोई बड़ा लीडर कुछ कर दे तो देखो, मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये 5 साल चलेगी, इसलिए चले तो जनता को राहत मिले, सरकार का आभास होना चाहिए। बस में जाते हैं, ढाबे पे जाते हैं, होटल में जाते हैं, किसी शोरूम में जाते हैं कोई काम से, तो सही कहते हैं भाई साहब ये सरकार चला कौन रहा है? मैंने कहा भाई हमसे क्यों पूछ रहे हो, भारतीय जनता पार्टी चला रही है। बोले वो भारतीय जनता पार्टी वाले सारे लोग कहते हैं कि ये चला कौन रहा है, हमारे भी समझ में नहीं आ रहा। तो पहले तो मुख्यमंत्री जी को एक दिन का विश्राम लेकर के और ये समझाना चाहिए कि ये सरकार चला कौन रहा है। ये जो भ्रांति फैल रही है ना ये प्रदेश में, ये सबके लिए, प्रदेश के लिए बड़ी घातक है। इस भ्रांति को दूर करें, इकबाल कायम करें, पुलिस को पूरे अधिकार दें। ये जो बजरी माफिया, भू माफिया, लैंड माफिया, जितने भी पेपर माफिया जितने भी हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करो। लेकिन मेरा एक कहना है कि टाइम लिमिट करके एक चीज को तय कीजिए। आप केवल यही है
कांग्रेस ये कर गई, कांग्रेस ये कर गई, कांग्रेस ये कर गई। अब तो भाई साहब 10 महीने हो गए, आपको बताना पड़ेगा आपने क्या किया, आप क्या करने जा रहे हो, आपका विजन बताओ, आपके काम बताओ, आपकी योजना बताओ, उस योजना का लोगों को क्या लाभ मिल रहा है वो बताओ। ऐसे ही घूम रहे हैं बिना कोई मिशन के, बिना कोई योजना के, बिना कोई बजट के। जब आपने देखा विधानसभा में बजट पेश किया तो पास होने से पहले बजट की मीटिंग करवाई थी, हर जिले में प्रभारी मंत्रियों को भेजा था, उनको पूछो उसके बाद में दोबारा मीटिंग कब हुई है बजट पारित होने के बाद में कि उस बजट की क्रियान्विति हो रही है कि नहीं हो रही है। आप मीडिया के लोग हो, प्रिंट मीडिया भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, सोशल मीडिया भी है, मैं पूछना चाहता हूं एक भी कोई स्वीकृति किसी चीज की कभी आपने पोस्ट की क्या? मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में कभी कहा क्या कि हमने इतनी सड़कें पास कर दी, इतने बिजली के ग्रेड पास कर दिए, इतने बच्चों नौकरियों की बात कर रहे हैं, 1 लाख के लगभग तो देती बताते हैं उन्होंने। जो भाई हमारे वाला तो कोई 2,70,000 का था, वो आंकड़ा पकड़ा दो कि ये हमने ही दे दी, आपका कार्यकाल मान लो हमारा। तो ये कहने से नहीं चलेगा, ये काम नहीं चलने वाला है कि हम ऐसा कर रहे हैं ऐसा कर रहे हैं। जो कर रहे हो वो करो, कानून सम्मत जो अधिकार है आपको सब करो, आपकी सरकार है, लेकिन ये तय करो कि ये सरकार चला कौन रहा है, ये तय करना जरूरी है, क्योंकि जनता भ्रमित हो रही है रोजाना के रोजाना से। ये ऐसा ही भर्ती परीक्षा को रद्द करने या नहीं करने को लेकर अभी कैबिनेट सब कमेटी आज पहली मीटिंग थी, उसमें जुगाराम पटेल ने ये कहा कि कांग्रेस के राज में इतने गड़बड़ियां और घोटाले हुए थे कि पेपर भेजती और मट्टी के टाइप के घोटाले हुए। देखिए मेरी बात सुनिए, जोगाराम जी को ये कहना चाहिए कि एसआई भर्ती पे आप क्या निर्णय ले रहे हो, क्योंकि एसआई भर्ती पे एक काम होने वाला, या तो बाबा किरोड़ी जीतेगा या मुख्यमंत्री भजनलाल जीतेगा, दोनों साथ नहीं जीतेंगे मैं आपको बता दूं। तो राजस्थान का बड़ा नेता बीजेपी में कौन है ये तय होना है, उसके बाद में फिर ये प्रक्रियाएं चलेंगी, एक बात। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि राजस्थान की विधानसभा में एक क्वेश्चन लगा था कि पेपर लीक का, पिछले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में इस पिछले 5 साल से ज्यादा पेपर आउट हुए थे, एक बात क्लियर है, किसी के कोई शंका हो तो मेरे से डिटेल ले लेना, विधानसभा की वेबसाइट पे प्रश्न के ऊपर पड़ा है। दूसरी बात, ये जो पेपर लीक हुए उसके ऊपर पेपर लीक गिरोह के खिलाफ कार्रवाई हमने की, आधे से ज्यादा 100-150 से ज्यादा पेपर माफियाओं को, नकल माफियाओं को पकड़ा, इस प्रक्रिया को ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन केवल यही है कहते कहते कि हम इस प्रक्रिया में 5 साल निकालोगे क्या आप, ये तो सतत प्रक्रिया है। अगर मान लीजिए 2 साल बाद में भी पता लग गया कि कोई व्यक्ति पेपर लीक के माध्यम से माफिया से पैसे देकर के नौकरी लगा है तो उसको 2 साल बाद में भी निकालो, लेकिन 2 साल तक यही काम करते रहोगे, दूसरी भर्तियां कितनी निकाल रहे हो वो बताओ आप। आप देखिए अगर किसी संस्था की क्रेडिबिलिटी इतनी आप खराब कर दोगे तो उसके बाद में न तो वहां कोई आरपीएससी का चेयरमैन बनने को तैयार नहीं है इनके पास, आरपीएससी के मेंबर सारे के सारे जो है ना वो कुंठित हैं कि हम कहां आ गए, हमको सबको तो बेईमान घोषित कर दिया। मैं कहता हूं बेईमानों को पकड़ो लेकिन सबको बेईमान मत बनाओ, आपके पास में कोई हथियार नहीं है, आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप पूरी की पूरी आरपीएससी में चपड़ासी से लेकर के चेयरमैन तक सब बेईमान है और कर्मचारी चयन आयोग में बेईमान है, तो फिर क्या भजनलाल जी परीक्षा कराएंगे क्या, या किरोड़ी लाल जी कराएंगे, सबसे ज्यादा चीन के साहूकार हैं वो कराएंगे क्या परीक्षा? परीक्षा तो ये संस्थाएं कराएंगी, और आप इतने ही जोरदार हो तो आप क्यों नहीं आरपीएससी का चेयरमैन ऐसा बना करके, और जो मेंबर खाली पड़े उनको एक नई जो आप सोच के साथ में और नई एक लोगों को नियुक्ति कीजिए कि ये देखो ये बेईमान लोग नहीं होंगे और ये कभी जिंदगी में बेईमानी नहीं करेंगे, इन लोगों को हमने लगाया, इन्होंने एक संभागीय आयुक्त लगाया और 4 दिन बाद में उसके छापा भटका दिया, तो फिर लगाया क्यों जब 5 महीने से उसके खिलाफ कार्रवाई चल रही थी तो उसको लगाया क्यों? मैं नहीं कहता सही है गलत है, वो क्या है क्या नहीं है, वो तो कानून अपना काम करेगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इनको पता ही नहीं है, इसलिए पहले तो ये तय होना चाहिए कि ये सरकार चला कौन रहा है, चल कहां से रही है, क्या है जिले। मैंने कहा था ना मैं चैलेंज करता हूं इनका, एक भी जिला चेंज नहीं कर पाएंगे, इनके लिए जनगणना रुकेगी क्या, पूरा देश रुक जाएगा क्या है? ये तो चाहे जो कहते थे, इनको टाइम पास करना है, लेकिन इनको ये समझ में नहीं आ रही, 10 महीने गए तुम्हारे काका,
दस महीने चले गए, टाइम पास तो महीने दो महीने का होता है भाई साहब। सारे ही दिन आप टाइम पास के लिए पिछली सरकार को पूरा कोसो, कोई बुराई नहीं है, आपके पास जो भी है संसाधन है, सरकार है, पुलिस है, जो गलती कर रहा है उसको आप पकड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये कह कह के हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हमने आज दो पकड़ लिया, हमने आज एक पकड़ लिया, इससे किसी के पेट में निवाला थोड़ी गया, नए बच्चे को नौकरी थोड़ी मिल गई, गरीब का इलाज थोड़ी फ्री में हो गया, पानी थोड़ी मिल गया, केवल एक स्टंट लेकर के और आप अपना टाइम पास कर रहे हो। इसलिए मैं तो कहूंगा, मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने तो कहा था कि दिल्ली के अप डाउन कम करो, और मैं तो कहता हूं कि ज्यादा बढ़ा लो और वहीं रह जाओ 10-5 दिन, ये किरोड़ी वाला फैसला करा के लाओ आप, वरना आपकी सरकार नहीं चल पाएगी, पता नहीं चलेगा ये किधर से चल रही है और कौन चला रहा है। गजेंद्र सिंह जी हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, और मैं तो ये कहना चाहता हूं उनको कि उन्होंने तो एसओजी से जो बदलवाना था बदलवा लिया रिपोर्टें, अब हमारे बयान और स्वर कब बदलेंगे आप ही देखते जाइए। ये तो भाई साहब अभी 9-10 महीने हुए हैं, अगला जब विधानसभा का सत्र आए ना तब इनकी नानी याद दिला देंगे। ये जो गुजरात वाले लाला के यहाँ बड़े बड़े होटलों में ठहर ठहर के ये जो टेंडर डॉक्यूमेंट वहाँ ड्राफ्ट करा के सरते नई नई जुड़वा जुड़वा के जो राजस्थान की संपदा लूटने का काम कर रहे हैं ना, इनकी भुर्ज बुला देंगे हम। गलतफहमी में जी रहे हैं ये वो एक कहावत है कि अगर एक कबूतर है या कॉमेडी है, अगर बिल्ली आ जाती है और वो आंख मीच ले तो वो ये सोच ले कि ये बिल्ली मेरे को छोड़ देगी, तो वो उसकी गलतफहमी है। तो ये इनकी गलतफहमी है कि ये हम लोगों पे, हमारी सरकार पे आप झूठे आरोप लगा लगा करके ये बच जाएंगे, अब नंबर इनका है इसलिए ये तैयार रहे। मेरा तो ऐसा मानना है, मेरा ऐसा मानना है कि किरोड़ी लाल मीणा जी एक मंत्री हैं, उनकी अपनी हैसियत है और मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है, वो मंत्रिमंडल में कुछ भी कहें लेकिन सार्वजनिक रूप से उनको नहीं कहना चाहिए, और जो फैसला कराना है मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री जी से और मंत्रियों से कराना चाहिए। लेकिन ये दोहरी बातें नहीं चलेगी कि मैं मंत्री भी हूं और मैं एक परिवार लेकर के और मैं सार्वजनिक मंच पे ये भी कह रहा हूं कि हमारी सरकार क्यों नहीं कर रही है ये फैसला करना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये 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 राजनीति ठीक नहीं है, बाकी उनकी मर्जी है वो कैसा करें कैसा नहीं करें, ये तो अपनी सरकार को उसमें कंडेम करने वाला वो हो गया। तो फिर भाई आप मंत्री हो तो कम से कम मंत्री का जो दायित्व होता है वो दायित्व तो आपको निभाना पड़ेगा। आप अपने घर में बैठ के कुछ भी फैसले कर लो वो मंजूर है, लेकिन ये सार्वजनिक रूप से नहीं कहना चाहिए, बाकी उनकी मर्जी है, उनका सोच है। हाँ, वो तो अरे भाई साहब अब देखना, सातों चुनाव में देखना, फिर आगे जब चुनाव तो देखना, पंचायत राज देखना, ये करा ही नहीं पा रहे इस गमछे के डर से, तो नगर पालिका और पंचायत चुनाव नहीं करवा पा रहे, आप देखना। आप बताओ वन स्टेट वन इलेक्शन का आपने कभी कोई पढ़ाई, एक चिट्ठी पढ़ी सरकार की? आज नवंबर के अंदर 53 या 56 या 59 कितने नगर निकाय के चुनाव हैं, अब तक वोटर लिस्ट बन जानी चाहिए, लॉटरी निकल जानी चाहिए, आप बताइए एक महीना रहा है, वार्डों का पुनर्सीमांकन करना था तो कर लेना चाहिए था। ये तो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं कि अपने तो एक पत्थर फेंक दो कांग्रेस पे सो जाओ, पत्थर फेंक दो दूसरे दिन उठो और एक पत्थर फेंक दो और सो जाओ, तो ऐसे कितने दिन चलेगा काम, इनको काम करना पड़ेगा। वो उनकी मर्जी है साहब, वो नेता है, हमारे इंडिया गठबंधन का सम्मानित एमपी है, वो कुछ भी गए ठीक कह रहा है, क्या दिक्कत है तुम्हें, तुम्हें क्या दिक्कत आ गई, मेरे को नहीं है। थैंक यू भाई, थैंक यू, नमस्कार।